हेलो स्टूडेंट्स, सिमिलर पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और पहले भी हमने उसका नाम दिया था कि उसे पोल भी कहते हैं, जीरोज ऑफ द फंक्शन भी कहा जाता है क्योंकि वो फंक्शन को इन्फिनिटी बना देते हैं, वो उसकी जीरोज भी कहलाती हैं। सिमिलर पॉइंट, ए फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द डोमेन डी बट नॉट डिफरेंसिबल एट जेड इक्वल टू ए, देन द पॉइंट जेड इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। इसी को हमने सिंगुलर पॉइंट का नाम दिया था कि फंक्शन पूरे डोमेन के अंदर एनालिटिक होता है लेकिन एक पॉइंट उसके अंदर ऐसा आ जाता है जिस पर वो डिफरेंसिबल नहीं होता, एनालिटिक नहीं होता, उसे उसका नाम दिया था सिंगुलर पॉइंट, या फिर हम उसे एक और नाम दे रहे हैं, उसे पोल भी कहा जाता है। अगर उस पॉइंट की जो पावर है, जो फैक्टर है, जो लीनियर फैक्टर हमें नीचे मिला है, अगर उसकी पावर वन हो जाती है तो ये पोल कहलाता है वन ऑर्डर का। इट इज कॉल्ड पोल ऑफ वन ऑर्डर। एंड एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू द होल पावर टू इज एनालिटिक बट जेड इक्वल टू ए इज पोल ऑफ टू ऑर्डर। क्योंकि इस फैक्टर की जो लीनियर फैक्टर है उसकी पावर टू हो जाती है तो ये पोल टू ऑर्डर का कहलाता है। सिमिलरली यहां पे एन पावर होने से ये पोल कहलाता है एनथ ऑर्डर का। क्योंकि अभी तक हमने हर बार जो एनालिटिक फंक्शन में पॉइंट लिया है, जो एनालिटिक नहीं जिस पॉइंट पे होता था फंक्शन उसे सिंगुलर पॉइंट हम कह रहे थे, वो केवल वन ऑर्डर का ही यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम एक से ज्यादा ऑर्डर का पोल या एक से ज्यादा ऑर्डर का सिंगुलर पॉइंट भी यूज करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। अब अगर हमने एन पावर के लिए करना है, अगर हमें एन पावर के लिए करना है तो सिंगुलर पॉइंट को वन ऑर्डर के लिए तो हम लगा चुके हैं कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, लेकिन हमें एन पावर के लिए अगर करना है तो हमें अपने फॉर्मूले में भी जो कोची का इंटीग्रल फॉर्मूला है उसमें भी हमें एनथ पावर चाहिए, तो उसी के लिए हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। हम कोची इंटीग्रल फॉर्मूले का डेरिवेटिव निकालेंगे। वी हैव द कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर एनालिटिक फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज। इस फंक्शन के लिए जो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला है एनालिटिक फंक्शन के लिए वो एफ ऑफ ए बराबर होता है वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन अलोंग दी कर्व सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। हमने इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू ए। जब हम ए के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहां पर इस फंक्शन का भी डिफ्रेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू ए, तो ये एफ डैश ए हो जाएगा इक्वल टू, ये उसके लिए कॉन्स्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा, ये फंक्शन भी और ये इंटीग्रेशन भी उसके लिए कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। लेकिन हम जब जेड माइनस ए का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वो डिफरेंशिएशन कुछ ऐसे करना पड़ेगा कि जेड माइनस ए की पावर माइनस वन और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस जेड माइनस ए टू दी होल पावर माइनस टू और इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। इसका मतलब ये जब दोनों पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया जाएगा तो वन अपॉन जेड माइनस ए टू दी होल पावर टू हो जाएगी। उसी की वजह से हमने लिखा है इंटीग्रेशन में एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी होल पावर टू डी जेड। एक नोट हमने लिखा है यहां पे, इफ वी हैव द पोल ऑफ टू ऑर्डर, अभी तक हम वन ऑर्डर का पोल यूज कर रहे थे, अगर हम टू ऑर्डर का पोल हमारे पास हो जाता है तो यानी कि इसका हमें जब इंटीग्रेशन करना होगा जो हमें यहां मिला है, अगर उसका इंटीग्रेशन करना हो तो हमारी एक डेफिनेशन बन गई है कि 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाई लिमिट जेड टेंस टू ए, जेड की जगह ए रखा जाएगा और जो फंक्शन एफ जेड हमें दिया जाता है क्योंकि ये एफ जेड से ही आया है, अब हमें जो एफ जेड दिया जाता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू जेड और जेड की जगह पे ए को रिप्लेस कर दिया जाता है। तो जब भी यहां पर 2 पावर हो जाएगी तो उस 2 पावर के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। सिमिलरली अगर हम देखें ये डिफरेंशिएशन हम फिर से करना चाहें, क्योंकि जो हमारा डिफरेंशिएशन है एफ डैश ए बराबर ये हो गया है, अगर मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा वन अपॉन टू पाई आई इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड अपॉन, जब इसका डिफरेंशिएशन फिर से करूंगा तो फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगा जेड माइनस ए टू दी पावर थ्री हो जाएगा और ये टू चूंकि यहां मल्टीपल में आ जाएगा और इनटू डी जेड। तो यहां से जब मैं इसका फॉर्मूला बनाऊंगा तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है, इफ वी हैव द पोल ऑफ थर्ड ऑर्डर, अगर हम थर्ड ऑर्डर का पोल रखते हैं तो ये इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस ए टू दी पावर थ्री डी जेड बराबर हो जाता है टू पाई आई अपॉन फैक्टोरियल टू, वो जो टू मल्टीपल में आ रहा था वो हमने यहां पे रख दिया है लिमिट जेड टेंस टू ए एफ डबल डैश जेड। मतलब डिफरेंशिएशन करना है दो बार एफ जेड फंक्शन का
और जेड की जगह ए रखना है। सिमिलरली अगर हम nth ऑर्डर का पोल रखते हैं तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी अलोंग दी कर्व सी इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए टू दी होल पावर एन डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि जब हमने तीन पावर के लिए किया तो यहां पे फैक्टोरियल 2 आ गया था। सिमिलरली जब एन के लिए कर रहे हैं तो एन माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा, एन माइनस वन टाइम डिफ्रेंशिएशन होगा और जेड की जगह ए रखा जा सकता है। ऐसे ही अगर हम जेड माइनस ए टू दी पावर एन प्लस वन का पोल रखते हैं तो डेफिनेशन हो जाएगी 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल एन लिमिट जेड टेंस टू ए एफ एन जेड, मतलब फंक्शन का एन बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें जेड की जगह ए रख दिया जाएगा। तो ये हम डेफिनेशन यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास टू ऑर्डर का पोल हो, थ्री ऑर्डर का पोल हो, फोर्थ ऑर्डर का पोल हो, nth ऑर्डर का पोल हो या फिर n प्लस वन ऑर्डर का पोल हो। फॉर एग्जाम्पल हमें इंटीग्रेशन करना है along the curve C, e to the power 2z upon z plus 1 to the whole power 4 dz, where C is a circle, where C is a circle, mod z equals to 3. तो एक सर्किल की इक्वेशन दी गई है, mod z equals to 3, 3 रेडियस का एक सर्किल है, तो हमने 3 रेडियस लेकर के एक सर्किल को ड्रॉ कर दिया है। अगर मैं यहां से पोल देखूं तो जो पोल होंगे नीचे वाले फंक्शन को 0 के बराबर रखा जाता है, z plus 1 to the power 4 equals to 0, इसका मतलब z equals to minus 1 is the singular point, मतलब ये इसका पोल है, लेकिन चूंकि इसकी पावर 4 है तो ये फोर्थ ऑर्डर का पोल कहलाता है। एंड जो ये फंक्शन बाकी बचा हुआ है, चूंकि ये तो मेरा पोल में चला गया, तो जो फंक्शन है ये एफ जेड हुआ, तो इस एफ जेड को हम कहेंगे एफ जेड इज ई टू दी पावर 2 जेड है, एवरीवेयर एनालिटिक होता है, इस पूरे डोमेन के अंदर ये फंक्शन एनालिटिक है। चूंकि इस पूरे डोमेन के अंदर ये फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जेड इक्वल्स टू माइनस ए जिस पर वो एनालिटिक नहीं था, जो पोल था उसका, जिसको हमने फोर्थ ऑर्डर का पोल कहा है, वहीं पर वो एनालिटिक नहीं है, बाकी पूरे में एनालिटिक है। तो मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा सर्किल ड्रा करके उस पॉइंट को, चूंकि उस पर एनालिटिक नहीं था, उसको उस रीजन से बाहर निकाल दिया है और बाकी पूरे के लिए अब हम एक थ्योरम लगा रहे हैं जिसे हम कहते हैं